हाय फ्रेंड्स, मैं आर्यन हुसैन, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल एक्वाटिक दीवानगी में। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे जितने भी मॉन्स्टर फिश है सब पीछे में है। आज हम लोग इसको खिलाएंगे कलेजी, ठीक है। ये देखिए एकदम फ्रेश कलेजी, जबरदस्त। आज हम लोग पहले इसको कटिंग करेंगे और उसके बाद कलेजी खिलाएंगे, ठीक है ना। तो कलेजी बहुत ही अच्छा रहता है, फायदेमंद रहता है, ठीक है ना गाइस, मतलब हमारे मॉन्स्टर फिश के लिए। तो हम लोग जल्दी से पहले कलेजी को कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी हमारे फिश है सबको दे देंगे, सब खाएंगे, ठीक है ना। चलिए काट लेते हैं पहले। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से ना कटिंग कर लिया है इसे, ठीक है ना, कलेजी को। अब हम लोग खिला देंगे अपने मॉन्स्टर फिश को, जो कि सब भूखे हैं। तो चले पहले इसका लाइट हम लोग जला लेते हैं। तो ये जलाया मैंने लाइट इसका इस तरीके से, और ये लाइट जल गया, ठीक है ना गाइस। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है भाई, सब हमारे स्नेक हेड फिश। तो चले पहले इसको ऊंचा कर लेते हैं हम लोग, और हम लोगों ने इसे ऊंचा कर लिया है थोड़ा सा, बहुत टाइट है यार। एक मिनट रुकिए, आप लोग लाइन में रहिए। यहाँ पे मैंने इस तरीके से ऊंचा कर लिया है, और अब हम लोग इसमें देने जा रहे हैं कलेजी, ठीक है। रुकिए पहले मैं डालता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चले फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं देने के लिए कलेजी को अपने मॉन्स्टर फिश को, ठीक है ना गाइज। तो चले पहले दे देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए गाइज, ये मैं दे रहा हूँ कलेजी, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये गिरा सब का सब कलेजी अंदर इस तरीके से। और ये देखें, लड़ाई झगड़ा हो रहा है खाने को लेकर। ये देखो अच्छे से नज़र आएगा, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखें किस तरीके से पकड़ रहा है सब, देख रहे ना, पकड़ पकड़ के सब खा रहा है। तो आज जो है ये इसे खाया जाता है चिकन लीवर, मैं चिकन लीवर खिला रहा हूँ अपने मॉन्स्टर फिशेस को, और सब मज़े ले लेकर खा रहे हैं। ये देखें बड़ा छोटा हर साइज़ का जो है सब पकड़ पकड़ कर खा रहा है। तो ऐसा व्लॉगिंग भाई आप लोगों को सिर्फ एक्वाटिक दीवानगी में मिलेगा। ये वाइल्ड फिश को वाइल्डली बिहेवियर से फीड कराना पड़ता है भाई, ताकि ये लोग हेल्दी रहें, फ्रेश रहें, एक्टिव रहें। ये देखें सब एकदम सटा सट खा रहा है, बहुत सारा दिया भाई, लेकिन ये देखें, ये देखिए किस तरीके से खाया, ठीक है ना गाइस। ये देखिए सब के सब खाने में लगे हुए हैं, सब के सब खाने में टूट पड़े हुए हैं। और पानी आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा धुंधला हो गया पानी, लेकिन कोई बात नहीं है, फिल्टर चलेगा सब सही हो जाएगा। ये देखिए किस तरीके से पकड़ा है यहाँ पे, देख रहे ना। तो चिकन लीवर में यही फ़ायदा होता है भाई कि इसमें कोई तरीके के बोन नहीं होते हैं, और उन लोगों को स्वालो करने में ईजी रहता है, ठीक है ना गाइस। जितने मेरे मॉन्स्टर फिश है सब एकदम अच्छे से एंजॉय कर रहे खाने को। ये देखें, तो ये क्लोज व्यू में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग स्नेक हेड फिश पालते हैं और बोलते हैं कि दूर हट जाओ, खाना नहीं खाएगा। तो भाई देखिए मेरा स्नेक हेड फिश एकदम मेरे सामने ही सब खा रहे हैं। ये देखें वो कोना में एक अपने मुँह में दबा कर पकड़े हुआ है, पानी देख रहे होंगे आप लोग पूरा धुंधला हो गया है, क्योंकि भाई ये देखिए ये छीन के खाया उससे। मैं सोच रहा हूँ ना बाकी का और भी जो है मैं सब इन्हें ही दे दूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मेरे स्नेक हेड फिश हैं, और काफ़ी दिनों से मतलब मैं इन्हें फिट करा रहा था। अब ऐसा फिटिंग में क्या होता है ना, कोई खा लेते हैं कोई नहीं खा पाते हैं, तो ये मामले हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या है ना, इतना मैं इन्हें फिटिंग दे दिया हूँ कि सब आराम से मन भर कर खाएंगे। और इस तरीके से थोड़ा सा गैप लेके फिटिंग कराने से ना सबको मतलब अच्छा फीड मिलता है। तो आज मैं इन्हें 3-4 दिन का गैप दिया हूँ, उसके बाद मैं इन्हें फीडिंग करा रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉगिंग में कहा था कि भाई आज इन लोगों को फीडिंग नहीं होगा, इनका फीडिंग बाद में होगा, तो ये आज इन लोगों का फीडिंग है, सिर्फ इन लोगों का। आज मैं इन लोगों को नहीं दूँगा, इन लोगों को कल मैंने दिया था क्वेल मीट, मतलब इससे पहले मैंने क्वेल मीट दिया था, तो आज मैं दे रहा हूँ इन्हें जो कि खा रहे हैं। ये देखें किस तरीके से पकड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना। ये देखिए ये उधर से पकड़ के ले गया, उससे छीन लिया वो, और वो पार कर गया।
भाई खाना जिसका निवाला खाएगा वही। ये देखिए वो छीन कर लेके आया था वो खा गया। चले गाइस, लगता है कि बाकी का हिस्सा भी हमें इन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि भूख ज़्यादा है और खाना मुझे लगता है कि कम पड़ गया। तो चले ये सब जो हिस्से हैं ना, इसे भी मैं डाल देता हूँ उसी में। थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, पहले मैं उठा लेता हूँ इसे अच्छे तरीके से, वरना मेरा हाथ से अगर सरक गया तो रिक्स हो जाएगा। ये सब को मैंने उठा लिया, ठीक है। ये देखिए अब जा रहा हूँ मैं देने इन्हें। तो पहले ऐसे उठा लेता हूँ एक तरफ से ऐसा, और डाल दूँगा ऐसा। ये देखिए ये मेरे हाथों से छूट छूट के गिर रहे हैं नीचे, और सब पकड़ाते ही आएंगे और वो लोग खाते ही आएंगे, ठीक है ना गाइस। ये देखें, ये देखें नीचे गिर रहा है और सब खा रहे। कुछ मेरे हाथों में अभी भी रह गए हैं, ये अपने हाथों का एंगल को चेंज करना पड़ेगा भाई, ऐसा मैं जा नहीं पा रहा अंदर से। ये गिरा नीचे, ये गया भाई। ये देखिए एकदम फ्रेश चिकन लीवर खा के सबको मज़ा ही आ गया है, बोनलेस मिल रहा है ये लोगों को, बोनलेस। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ भाई कि अपने वाइल्ड फिश को ना वाइल्डली बिहेवियर के साथ रखें आप लोग। ये देखें किस तरीके से लिया है, देख रहे ना, ये देखें पकड़ रहा पारो रहा भाई। स्नेकेड फिश का यही तो मज़ा आता है भाई देखने में, उन लोगों का फीडिंग बिहेवियर जो रहता है। सब अपने पेट को भरेंगे आज एकदम अच्छे तरीके से। ये देखिए ये खा रहे हैं आप, पानी बहुत धुंधला हो गया। ये देखें इस पानी को देखें, उस पानी को देखें, उस पानी को देखें, उसके हिसाब से इस पानी को देखें। मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पानी कितना गंदा हुआ उसका। ये देखिए तो फीडिंग के दरमियान में ना इस तरीके के मामले हो जाते हैं, ठीक है ना गाइस। ये देखिए ऊपर का पानी देखिए तो फ्रेश है, और जहाँ मैंने अभी फीड कराया है इस वाले टैंक में, ये भी गंदा हो रहा है एकदम। लेकिन कोई बात नहीं, फिल्टर मेरा बहुत ज़बरदस्त है, पूरा गंदगी उठान लेता है। इस तरीके के डेंजरस फिश को रखना, और ये लोग पॉटी शॉटी भी बहुत करते हैं। ये देखिए ये कैसा खाया, देखें ये पकड़ा, ये देखिए फिर पकड़ेगा, पकड़ 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 निगल रहा है। अब सबका ग्रोथ अच्छा रहेगा। इन सबों को ना मैंने पर्च के साथ रख दिया था, इन लोगों का पर कट गया है, कोई बात नहीं है, अब पर वापस से सबके एकदम अच्छा हो जाएगा। ये देखिए अब पकड़ेगा इसको, पूरा का पूरा एकदम जंग हो गया ऐसे। ये देखिए सब सब पार करने में लगे हुए। जो मेरा ड्वार्फ स्नेकेड फिश है, वो मेल था एक ड्वार्फ स्नेकेड फिश का। तो भाई खाना दीजिए तो ऐसा दीजिए कि एकदम मन भर जाए लोगों का खा के। और थोड़ा गैप लेके देने में ये होता है ना कि खाना बर्बाद नहीं होते, सब खाना अच्छे तरीके से खाया जाता है सब। ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं ना, ये सब फीडिंग आप लोगों को भाई एक्वाटिक दीवानगी में इस तरीके का फीडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा, हर जगह आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा भाई। ये देखिए सब एकदम सट्टा सट पकड़ लें और पार कर रहे हैं। ये पकड़ेगा, देखिए पकड़ 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 पकड़। ये देखिए ये आ रहा है, काफ़ी सारे अभी भी छोटे छोटे पीसेस हैं अंदर में। मछलियाँ अभी तो वैसी ही हैं भाई, एकदम भरी हुई है मछली। ये देखें ये नोच रहा है पकड़ के, ये पकड़ा, ये ले गया। ये देखिए उससे वो छीन लिया, उससे वो छीन लिया। तो भाई आप लोगों को इंजॉय आप लोग कर रहे होंगे एक्वाटिक दीवानगी में, इस तरीके की चीज़ें आती रहती हैं। थोड़ा सा वाइल्ड फिश को इस तरीके के खाने हम लोगों को देना पड़ता है, ताकि ये लोग अच्छे तरीके से अपने मीट को एंजॉय करें। हर चीज़ भाई बाहर से इम्पोर्टेड खाना ही से नहीं होता है भाई, कुछ आपको भी अपना खाना तैयार करना पड़ेगा अपने फिशेस के लिए। ये देखिए ये जो मीट होते हैं ना, चिकन लीवर मीट जो होते हैं,
ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। ये देखिए किस तरीके से मज़ा ले लेकर खाया जा रहा है, देख रहे ना। तो ये सब मामले होते रहते हैं। अब एक एक फिश का, फूड का तो दुनिया भर का दाम है, लेकिन अगर आप लोग चिकन लीवर ले लें तो आपको सस्ता ही पड़ेगा और काफ़ी हेल्दी रहेगा, ठीक है ना गाइस। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। यहाँ पे देखिए ऊपर में किस तरीके से पकड़ के देख रहे ना, ये देखिए सीन है भाई, सीन आपको एक्वाटिक दीवानगी में मिलेगा भाई, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए इसमें जो मैंने उन लोगों को फिटिंग कराया था सिर्फ हड्डी गड्डी बच गए हैं। इस पे देखें क्वेल बर्ड का जो वो हड्डी था, सिर्फ वो हड्डी कंकाल रह गया भाई, बाकी और कुछ रहा नहीं उसमें, बस जो हल्का फुल्का रेशा जो है जो के गोश्त पोश्त है ना। गौर से अगर आप लोग देखें इसे एक झलक तो पूरा आप लोगों को समझ में आएगा कि वो बस कंकाल ही बाकी रह गया और कुछ नहीं, ठीक है ना गाइस। मेरे हाथ में ना ये कुछ पीसेस रह गए हैं, ये पर्श को टेस्ट करा देता हूँ। आइए, ये मैंने दिया यहाँ पे ऐसा ऊपर रखा और ये गिरेगा नीचे, ये मिला, ये देखिए ये मिला और एकदम हड़बड़ी मच गई, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। लेकिन जो ले लिया वो हुआ विनर, और जिसे नहीं मिला ये देखिए लड़ाई झगड़ा चालू। तो चले गाइस इसी के साथ मैं अपना वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। अभी इनका ब्रीडिंग इंजेक्शन भी मैं लेकर आ गया हूँ, उस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बात करूँगा, ठीक है ना गाइस। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब किए और शेयर किए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।